बहुत सारे बच्चों ने आज का होमवर्क किया है, और ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे खुशी हो रही है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और होमवर्क भी अपलोड कर रहे हैं। तो चलिए आज का सोल्यूशन करते हैं। तो पहले वाले में क्या था, इसमें क्या करना था, नंबर ए में कि जो भी कॉन्सोनेंट है वे उनको ग्रीन से कलर करना था और वॉवल्स को रेड से कलर करना था, ठीक है ना। तो वॉवल्स कितने होते हैं, सात, नहीं सर पांच, यस वेरी गुड। तो वॉवल्स कितने होते हैं, पांच, कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो पहले इसमें वॉल देखेंगे, वॉल कहाँ दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, यू होता है वॉल, यस, ये वॉल्स को रेड में कलर कर देंगे। ओके, एस ई, ई होता है, यस सर, ई भी वॉवल होता है, इसको भी टिक कर देंगे। ओके, आई होता है, यस सर, आई भी होता है, इसको भी रेड से कलर कर देंगे, ठीक है। एल, यस, नहीं, ए होता है, ए भी होता है, वेरी गुड, तो इसको भी रेड से कलर कर देंगे। पी नहीं होता है, ओ होता है, यस सर, ओ भी होता है, तो ए जो है, ए ए ई आई ओ यू, ये क्या है, हमारा वॉवेल है, ठीक है। तो इसको हमने रेड से कलर कर दिया, और बाकी के क्या है, वी सी एस एन के एल एच पी टी, ये क्या है, हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसको हमें कौन से कलर से कलर करना है, ग्रीन कलर से, और आप लोगों ने किया है, अच्छी बात है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या करना था, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स विद वॉवल्स, केवल इसको वॉवल से ही भरना था, वॉवल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो पहले हम क्या था, एल और जी के बीच में ओ डालेंगे, तो एल ओ जी मतलब लॉग, लॉग मीन्स क्या होता है, लकड़ी का लट्ठा, तो ये लकड़ी का लट्ठा हो गया लॉग मतलब। अब आते हैं जी और एम के बीच में, जी यू लिखेंगे, ठीक है। तो गम मीन्स क्या होता है, गोंद होता है, ठीक है। एम और टी के बीच में क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, मैट, मैट मीन्स चटाई, ये भी हमने कर लिया। अब आता है टी और पी के बीच में क्या लिखेंगे, ओ, टॉप, टॉप मीन्स लट्टू, ठीक है, ये भी कर लिया। पी और टी के बीच में क्या लिखेंगे, हम ई लिखेंगे, ठीक है। पेट मीन्स क्या होता है, पेट मीन्स पालतू जानवर, जैसे कि कुत्ता, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब आते हैं सी की तरफ, लिखा है मैच द कॉन्सोनेंट्स ऑन द लेफ्ट टू राइट द फॉर्म ऑफ वर्ड, देन राइट द वर्ड नेक्स्ट टू द पिक्चर। ये फोटो देखकर हमको मैच द फॉलोइंग करना है और उसके लिखना है। जैसे इसमें फोटो में क्या दिया है, शीप, शीप मीन्स क्या होता है, भेड़, भेड़ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, डबल ई पी दिया है। अब एस एस ढूंढना है, मेरे ए रहा एस, तो एस एस डब्ल्यू ई पी, शेप लिख लिया। वैसे दूसरा फोटो क्या है हमारा, घास का, घास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रास, तो जी आर ए डबल एस, ग्रास, ये भी हो गया। तीसरा में क्या दिया है, स्कर्ट दिया है, तो एस के आई आर टी, ये भी हो गया। उसके बाद क्या दिया, फल दिया, फल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्रूट, यस, तो फ्रूट का हम लोग यहाँ से कर दिए, वेरी गुड। फ्रूट के बाद क्या दिया है, फूल दिया है, फूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लावर, तो यह फल तो यहाँ मिल गया, और ओ डब्ल्यू आर यहाँ मिल गया, फ्लावर लिख दिया हमने, ठीक है। फिर दिया है सांप, सांप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्नेक, यस, स्नेक को भी मैच करा दिए, वेरी गुड। फिर क्या दिया, स्टार, तारा, तो तारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टार, तो एस टी ए आर, स्टार भी हो गया। अब आता है ट्रेन, ट्रेन को क्या बोलते हैं, ट्रेन बोलते हैं, तो ये हो गया क्लियर आपका। तो आज का ये हमारा होमवर्क है, और अच्छी बात है आप लोग होमवर्क कर रहे हैं, दैट्स गुड, दैट्स वेरी गुड, जस्ट कीप डूइंग एंड लर्न। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।